नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। तो आज शाम को बहुत बड़ा मुकाबला है। आज शाम को आमने सामने होंगे टीम इंडिया के दो धुरंधर। एक तरफ होंगे रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ होंगे केएल राहुल। लेकिन ये दो धुरंधर टीम इंडिया के लिए नहीं, अपनी अपनी टीमों के लिए होंगे। रोहित शर्मा के सामने होंगे केएल राहुल। केएल राहुल कप्तानी करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब की, और रोहित शर्मा तो आप जानते हैं मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। तो आज मुंबई वर्सेस पंजाब का ये बहुत ही दिलचस्प मैच होने जा रहा है। तो आपको ये बता दूं मैं कि ये जो टीम है ना, इन टीमों की आपस में राइवलरी कैसी रही है। आम तौर पर आपको लगेगा मुंबई इतनी तगड़ी टीम है, पंजाब तो बड़ी हल्की टीम है, मतलब पिछले सीजन में भी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई है, तो इनके बीच जीत का अंतर तो बहुत बड़ा होगा, आपको ये लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अभी तक कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब में 25 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से 14 मुकाबले मुंबई इंडियंस ने जीते हैं और 11 मुकाबले किंग्स इलेवन पंजाब में जीते हैं। यानी बहुत नेक टू नेक, बहुत तो एक तरीके से तगड़ी राइवलरी रही है इनके बीच, और बहुत ही क्लोज मुकाबले हुए हैं। यानी कोई बहुत ज़्यादा जीत का अंतर नहीं है, सिर्फ 3 जीत का अंतर है इन दोनों के बीच। इस जीत के अंतर को और कम करने के इरादे से उतरेगी किंग्स इलेवन पंजाब, और मुंबई उतरेगी कि इस जीत के आंकड़े को और बढ़ाया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, इस सीजन की टीम्स को देखते हुए कौन आज का मैच जीत सकता है? खुद भी जवाब दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उनसे भी ये सवाल पूछिए और पूछिए कि क्या आपको ये आंकड़ा पता था। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर जरूर कीजिएगा।